होगी। अच्छा, तो ये कि फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ कहते हैं देखने से सुनने से जो है ना वो कुछ नहीं होता, हाथ पांव मारने पड़ते हैं तभी कुछ पॉसिबल है। ठीक है, सो जिस तरह आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यही सोशल मीडिया है जिसका यूज़ करके लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही हैं इसी सोशल मीडिया को यूज़ करके जो है ना वो बहुत आगे तक जा चुके हैं। ठीक है, आज वो ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो गरीब थे, जो बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो भी था मामला, तो उन्होंने टिकटॉक की फील्ड में आए। ठीक है, मेरे टीचर एक थे, एक लड़का था, आई थिंक लड़का था या लड़की थी, ठीक है, लड़का था आई थिंक। तो उसको ना मतलब टीचर को पता लगा कि ये ना टिकटॉक बनाता है या कुछ ऐसा था, नहीं लड़का था, तो सर को पता लगा कि ये ना क्रिकेट खेलता है, पढ़ाई की तरफ ना फोकस नहीं करता, तो सर को पता लग गया। तो सर ने क्या कहा कि आप क्रिकेट खेलते हो? जी, वो कहते जी सर मैं खेलता हूँ। अच्छा, तो आपको पसंद है? जी सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी की तरह मतलब पाकिस्तान की तरफ खेलूँ, जैसे ये इंटरनेशनल सारे खेलते हैं, इस तरह मैं खेलना चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है। उसने कहा या तो ऐसे कर, ठीक है, या तो पढ़, या फिर उसको या तो क्रिकेट को पकड़। ठीक है, एक चीज़ पकड़, अगर आपका वो पैशन है तो स्टडी छोड़, पूरा फोकस उस पर कर, ताकि उस फील्ड में तू बहुत आगे तक जाए। अगर उसको बस ऐसे ही वो शुगल मिला टाइम पास के लिए रखा हुआ है, तो फिर तुम स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, उसको फिर छोड़ दो, यानी कि एक चीज़ पकड़ो, अगर आपका कोई ड्रीम है ना तो उसको पकड़ लो, अगर आपका कोई पैशन है, कोई चीज़ आप शौक में करना चाहते हो, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, या बंदा कामयाब शौक में होता है, या शौक से काम होता है, या मजबूरी से होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी भी शौक बन जाती है, सारी बात है वो मजबूरी है, उसको शौक बनाना पड़ता है, और शौक बना के ही उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से माशाल्लाह सर सुफियान ने अपना टारगेट मुकम्मल किया है, मैम खनसा ने अपना टारगेट मुकम्मल किया है, एक एक डायरेक्ट लगा के, और बाकी पेमेंट्स वगैरह अगर स्क्रीन शॉट अभी तक ग्रुप में नहीं हमने सेंड किया तो सेंड कर देंगे, ग्रुप बंद रहा आज सारा दिन, तो इसी वजह से। तो बाकी ये चलें आप अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, टाइम हमारा उधर भी जो है ना वो लग जाना है। सो स्क्रीन मेरी आप लोगों के सामने प्रॉपर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है ना वो लीड्स का बड़ा मसला है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि लीड्स में ना आपका इशू है, गलती आपकी है। ठीक है, आप लोग काम करने वाले बनते नहीं हो, आप लोग उतनी स्ट्रगल नहीं करते हो, उतनी मेहनत नहीं करते हो, यकीन करो लीड्स तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन हम ना काम करने वाले नहीं बनते। ठीक है, सो आज सारे आल सोशल मीडिया का ओवरव्यू मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है ना वो ऐसे तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के आपके सामने जिस तरह के आपके सामने टिकटॉक है, ये स्नैपचैट है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद जो है ना वो फेसबुक है, ठीक है, ये फेसबुक है, और इसके अलावा और लिंक्डइन है, ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, जिस तरह के ये आप लोग लगा लो, क्या कहते हैं, ये पिंटरेस्ट है लेकिन इसका इतना यूज़ नहीं है, ये व्हाट्सएप है आपके सामने, ठीक है, और भी ये टेलीग्राम है, बहुत सारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनको जो है ना वो हमें यूज़ करना आना चाहिए, इसका चलाना आना चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्टअप लेते हैं टिकटॉक से। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग जो है ना वो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन ये कि जो है ना ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए ना ये कहेंगे कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमारा जो है ना ध्यान अगर भटकाना है ना तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, अगर आपने टाइम पास करना हो, टाइम ज़ाया करना हो। ठीक है, सो ये कि इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, सॉरी मेरा नंबर जो है शोर हो रहा है, तो अभी ये कि यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं कि इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही हैं जो इस चीज़ को यूज़ करके बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी लीड जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग यही टिकटॉक का यूज़ करके आज इतने वायरल हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी वायरल होना ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग ना जब भी शुरुआत करो ना ऑनलाइन की फील्ड से, ठीक है, यानी कि आप लोग फेम चाहते हो, आप लोग कामयाब होना चाहते हो, तो आप लोग हमेशा छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू करना, या तो टिकटॉक पकड़ो या स्नैक वीडियो पकड़ो, इन दोनों में से एक पकड़ो, हाँ स्नैक वीडियो, इन दोनों में से एक पकड़ो, लाजमी है कि टिकटॉक आप पकड़ो, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, इनमें से पकड़ो। ठीक है, आप अगर व्लॉगर बनना चाहते हो तो मिनी व्लॉग यानी कि छोटे व्लॉग डालना शुरू कर दो, अगर आप टिकटॉकर बनना चाहते हो तो आप शॉर्ट्स वीडियो मतलब यानी कि जो वीडियो होती हैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, शर्त ये है। ठीक है, अगर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हो तो पहले यहाँ पर वो दिखाना शुरू कर दो लोगों को, लोग अगर आपके वो कंटेंट को पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, तो आप क्या कहते हो, सुना होगा कि जी मेरी बायो में यूट्यूब का लिंक है, वहाँ पर जाएँ, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जल्दी हम फलाना काम स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं, वो जब सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, वो जो उसकी उनकी कम्युनिटी होती है उससे वो फ़ायदा उठाते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरा, फिर कुछ कहते हैं जी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं ये करूँगा, लाइव आ जाऊँगा, फलाना हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक है। अब यहाँ पर क्या है, टिकटॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरे अकाउंट की कुछ सूरत हाल है,
अब यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकती हैं इसका सारा मामला। तकरीबन ये 15 दिन मैंने आज से पहले बस ये थोड़ी सी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, यानी कि अभी मैंने काम स्टार्ट ही किए हैं। उस दिन सेशन लिया ना, उसी के फौरी बाद मैंने अपना जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिए। सबसे पहली 3 वीडियोज़ देखें, सबसे पहली 3 वीडियोज़ मैंने पिन की हुई है। सबसे पहली वीडियो जो मेरी वायरल होने वाली है वो 1.8K है, यानी कि आपको 1800 दिखाई दे रहा ना, वैसे ये 1.8K है। सेकंड वाली 850-900 होने वाली है, और तीसरी जो है वो तकरीबन 4.7K, यानी कि 4700 प्लस हो चुकी है, यानी कि इतने लोग पास गई। अब ये मैं ओपन करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि आप कमेंट्स वगैरह चेक कर सकती हैं, ये लाइक्स हैं, ये कमेंट्स हैं। अभी कमेंट्स में आप लोग ज़रा देखें, मैं कमेंट्स को क्लिक करता हूँ तो क्या आया हुआ है, यस 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 यस, ठीक है। अभी ये लोग आए, ये सारे काम, ये देखिए कितनी ज़्यादा लीड है ये, अभी ये स्टार्टिंग है। अब ज़रा सोचिए, सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन के अंदर होता ही नहीं भाई कुछ। मैंने आपको कितना कहा था, आपको मसलसल 2 माह चलना पड़ेगा, ठीक है। मसलसल 2 माह चलोगे तो फिर आपको कामयाबी जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पर जो है ना वो 3-3, 4-4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब ये सुबह मैंने वीडियो अपलोड की 9 घंटे पहले, ठीक है। ये 12 घंटे पहले, ये मैंने 22 घंटे पहले, यानी कि अभी एक वीडियो मैंने और अपलोड करनी है इसी सेशन के फौरी बाद पे। तो ये कि यही कंसिस्टेंसी का राज है। उसके बाद फॉलोवर्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काम करने का तरीका क्या है, इसका मैंने मुकम्मल सेशन दिया हुआ है। किसी को चाहिए हो तो ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको इसका पूरा, मैंने इसकी मार्केटिंग का पूरा तरीका बताया गया, ठीक है। सो मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने फेसबुक इसका एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, रियल नेम लिखना है। आप लोगों ने कोई नहीं लिखना कि अर्निंग विद इरफान, बिजनेस विद इरफान, नहीं, अपना ऑफिशियल नाम लिखो, ठीक है। कभी भी ये नहीं लिखना, क्योंकि आपकी पहचान है और आपकी पहचान हमेशा आपके नाम से होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इधर उधर का कुछ भी नहीं लिखना कि ऑनलाइन वर्क दी इरफान, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। आपका जो नाम है, आप लोगों ने ऊपर मेरा दिखाई दे रहा है नंबर, मेरा शो है दाम, इसलिए जो है ना ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा नाम, आप मेरा जो है ना ऊपर देख सकती हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, नंबर बिल्कुल यूनिक लेना है। कोशिश करें कि एक ऐसा नंबर हो जिसमें कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई चीज़ भी नहीं बनी होनी चाहिए। अगर बनी हुई है तो कोई मसला नहीं, आप लोग बना लें, लेकिन फिर उसी अकाउंट का एक पासवर्ड होता है, इसका काइंडली आप अकाउंट का पासवर्ड याद रखिएगा। अगर आपको पासवर्ड भूल गया, आपके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, कभी आपके मोबाइल को इशू हो गया, ये आपकी एप्लीकेशन टिकटॉक कट गई, तो बाद में अगर आपने लॉगिन करना हुआ, तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता हुआ, तो आपकी महीनों की, आपके सालों की मेहनत ज़ाया हो जानी है, ठीक है। सो आप टिकटॉक का अकाउंट बनाएं, इस पर मुकम्मल मैंने मार्केटिंग की वीडियो दी है, किसी को चाहिए हो तो लाजमी ले लीजिएगा, ठीक है। सो इसको आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, सिंपली अकाउंट बनाएं और डेली बेस पर वीडियोस अपलोड, अच्छे हैशटैग यूज़ करें, ट्रेंडिंग वाले सॉन्ग यूज़ करें, तो आपकी वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह दिनों में ही वायरल होना मेरी ये गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब ये आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम आई टीम का बंदा है, अब क्या कि इसको कमेंट कितने आए हैं, ठीक है। अब ये देखो हेलो हेलो जो भी है, मतलब काम क्या है, जो भी है, स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। अभी ये न्यू न्यू है, और लाइक करते हैं, इसकी आईडी ज़रा चेक करते हैं। अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अभी जो है ना वो स्टार्ट ही लिया है, ठीक है। पहले देखिए किस तरह की वीडियोस अपलोड करता था, अभी एक्स्ट्रा से जो है ना वो चेंज करना इन्होंने शुरू कर दी है, यानी कि अभी काम स्टार्ट किया हमारी टीम का ये पर्सन, ठीक है। तो किस में चल रही है, फॉर यू पे वीडियो, किस पे चल रही है, फॉर यू पे। इसका मतलब कि टिकटॉक हर बंदे को प्रमोट करता है, चाहे वो जीरो हो या हीरो हो, कोई भी है उसको प्रमोट करता है, लेकिन बंदा काम करने वाला चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ऑनलाइन होती है, अच्छा अब ये लड़की है, ठीक है, किरण एफिलिएट इसने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कमेंट में साल तो पर आए, अभी ये कमेंट आया हुआ है कैसे, ठीक है, चलो और भी लेते हैं, यहाँ पर कमेंट काफ़ी सारे आते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास लाइक में पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। अब मिसाल तो पर ये वीडियो है, ठीक है। अब क्या आगे इसके कमेंट आप लोग चेक कर सकते हैं, अब ये दिख रहा है यस का रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है। अब कितने यस यस आए, लेकिन इस बंदे ने किसी को रिप्लाई दिया हुआ, किसी को नहीं दिया, बाकी बेचारे वैसे ही फारिग पड़े हुए हैं। अब इनको रिप्लाई कौन देगा, हम लोग, ठीक है, इसको रिप्लाई कौन देगा। आपकी बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाएँ, आप लोगों ने क्या करना है, एक काम करना है, बाहर जाएँ, होम है ना, ठीक है, होम पे क्लिक करें और यहाँ पर ऊपर देखिए सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है। सर्च बार पे आप लोगों लिखें यहाँ पे ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बिजनेस या कुछ भी लिखें, उस बंदे की आईडी आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, उसकी वीडियोस में जाना और उसके कमेंट्स में जाना है, वहाँ पर आपने एक मैसेज छोड़ना है। मैसेज आप लोग देख लें, मैसेज आप लोगों ने जो है ना वो कोई और नहीं देना, मैसेज आपका ये एक जो है ना वो होना चाहिए, ये वाला मैसेज, ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगी। ये वाला मेरा नंबर बायो में है, प्रोफाइल चेक करें मेरी, ठीक है, मतलब इस तरह आप लोग लिख लेना, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ताकि यानी कि उसको आप प्रोफाइल पे बुलाओ, एक तो आपको वो फॉलो करें, एक तो आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी हुई तो आपको वो लाजमी कमेंट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना है, अगर आप लोग सीधा डायरेक्ट अपना नंबर दोगे तो होगा क्या कि उससे जो है ना वो
क्या कहते हैं कि आपको जो है ना वो वायलेशन, यानी कि जाहरी बात है मिसाल तौर पर मेरी मेरी पोस्ट है, अब ये मेरी पोस्ट, आप मेरी कमेंट कमेंट में मेरी बंदों को रिप्लाई देना शुरू कर देते हो, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो, तो मैं क्या करूँगा, आपको रिपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो रिपोर्ट से क्या होता है कि आप अगर वो थोड़े से चंद, एक लिमिटेशन होती है, अगर टिकटॉक की तरफ से यानी कि लोगों ने ज़्यादा आपको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो टिकटॉक क्या करेगा, आपका अकाउंट चाहे जितना भी मिलियन फॉलोवर्स वाला हो या जीरो हो, तो आपका अकाउंट बैन कर देगा, ठीक है। सो इसे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कमेंट्स में जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों ने लोगों को जो है ना वो इंगेज करना है, लोगों को जो है ना वो हायर करना है, फिर अपना अकाउंट आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग टिकटॉक पर काम कर सकते हो। उसके बाद आती है स्नैपचैट की बारी, ठीक है। अब स्नैपचैट पर क्या कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मैं अपनी एक मिनट प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको जो है ना वो पिक्चर वगैरह उतारने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब यहाँ पर मेरी आईडी आप लोगों के सामने जो है ना वो शो हो चुकी है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे जो तकरीबन 10K के फॉलोवर यानी कि 10,000 फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या, अब ये मैंने कैसे किए हैं, अब आप लोग जो है ना वो काफ़ी सारे लोग हंसी आएगी। मैंने क्या किया था कि मैंने ना फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ना लड़की के नाम से आईडी बनाई और पिक्चर भी लड़की के लिए गए, जब फॉलोवर ज़्यादा हुए तो मैंने लड़के का रख दिया, तो बड़ी जल्दी जो है ना वो मतलब फॉलोवर हुए इस तरह, और कॉल पर मैं परेशान, फिर मुझे ना मजबूरी के तौर पे अपना नाम चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा आप लोग को हो सकता है, अब 10K के बंदे हैं यानी कि ये 10,000 बंदे हैं, यहाँ पर आप लोग क्या करें, आप डेली बेस पर स्टोरी अपलोड करो। अब ये मेरे पास ये सारी गैलरी है, यहाँ से कोई भी आप अर्निंग की वीडियो उठाओ, कोई भी लगा लो, कोई इशू नहीं, नीचे अपना नंबर दो। अब मिसाल तौर पर मैं आपको जो है ना लगा, अब ये समझो ये पेमेंट आई है, ठीक है। अब ये पेंसिल वाला ऑप्शन है, सॉरी ये एक मिनट बैक करो, ऊपर टैक्स वाला ऑप्शन है, टैक्स पे क्लिक करो, यहाँ पर आप लिखो मोर डिटेल्स कम ऑन व्हाट्सएप, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे आप अपना नंबर वगैरह दो, ठीक है। अपना नंबर देने के बाद आप लोग जो है ना वो इस तरह जब भी मतलब इसको आप लोग अगर पोस्ट कर देते हो, तो ये जितना भी 10,000 बंदा बैठा हुआ है, ये 10,000 बंदे के पास आपकी जो है वो स्टोरी जाएगी, यानी कि जारी बात है जब आपकी स्टोरी लगी होगी लोग आपको आपको दिखेंगे, और जब दिखेंगे मैंने स्टोरी इसमें नहीं लगाई क्योंकि बिजी था, टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आप सुबह फिर मिलाद करवाना है, तो इस तरीके से नहीं जो है ना वो ना मैं स्टेटस मेरे इतने अच्छे से अपलोड हो रहे हैं, तो बस ये कुछ ही दिन है, फिर इंशाल्लाह फ्री हो गए तो प्रॉपर वर्किंग वगैरह जो है ना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, अपनी स्टोरी अपलोड करो, ठीक है। तो जो लोग भी अब 10,000 में से यार 10 बंदे भी नहीं आएंगे, हद होगी, आएंगे ज़रूर आएंगे, लेकिन आप लोग काम करने वाले बनो, ठीक है। उसके बाद इस पर भी मैंने प्रॉपर A to Z बताया हुआ है, आपको जिस पर भी सेशन चाहिए मैंने दिया। अब ये देखो ऊपर बंदा बना हुआ है, 18+ आ रहे हैं, अभी कितने लोग हैं, अब इन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसे मैसेज नहीं आ रहे तो यहाँ पर नीचे ऐड का ऑप्शन होगा, तो आप लोगों को ऐड करना शुरू कर दो, जब तक आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आना होगा। सो आज ही आप लोग इस पर अकाउंट बनाओ, ठीक है। इस पर भी आपको जो है ना मेरे ख्याल में मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोग टिकटॉक का भी अकाउंट सेंड करता हूँ वीडियो, और आपको स्नैपचैट है इस पर भी प्रॉपर वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इस पर अभी आप लोग जो है ना वो वर्क कर सकते हो, और अपनी आईडीज़ वगैरह अपनी उस पर मैंने हर चीज़ क्लियर की हुई है, मैंने सेटिंग का हर चीज़ में यानी कि मैंने A to Z बताया हुआ है। सो मैं इसको खुल के बताऊँगा तो भाई टाइम ज़्यादा हो जाना है। अब यहाँ पर फेसबुक का तो आपको पता ही है, लेकिन इसकी मोटी मोटी चीज़ें बता लो, आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है यानी कि अपने फॉलोअर्स ये जो आपके होते हैं फ्रेंड्स वगैरह इसको इंक्रीज़ करो, फिर उसके बाद अपनी बायो अच्छी सी लिखो, फिर अपनी जो आईडी उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाओ, उसके बाद अच्छे अच्छे ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया ही हुआ है कि यार देखो ना मैं सिंपल आप लोगों को इसका इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर प्रॉपर सेशंस आपको मिल जाएंगे, मैं जितने भी जिनके भी प्लेटफॉर्म मैं आज आपको बताऊँगा इन्हीं सभी के सेशंस पड़े हुए हैं, क्योंकि ये अगर मैं जाहरी बात अगर समझ तो आपको तब लगेगी मैं जब डीपली बताऊँगा, लेकिन आज फिलहाल के लिए ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से इसको जो है ना वो यूज़ अप कर सकते हो। मैंने खुद अकाउंट्स बनाए और अलहमदिल्ला अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 4,000 मेरे फ्रेंड्स देख सकते हो। उसके बाद आपको मैंने ये ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बताया हुआ है, यानी कि ग्रुप आप लोगों ने कैसे ज्वाइन करना है, यानी कि मिसाल तौर पर बाय एंड सेल लिखता हूँ, ये ग्रुप्स के पोर्शन में आता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रुप ज्वाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि ये है कि देखो कि हाँ सबसे पहले देखो कि एक मिनट मैं कोई ग्रुप अच्छा सा देखता हूँ। ओके अब मैं साथ, तो सबसे पहले आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि ग्रुप पब्लिक होना चाहिए, दूसरा है कि उसमें जो मेंबर है वो ज़्यादा होने चाहिए, तीसरा है कि उसमें जो है ना वो 10+ पोस्ट आ डे, इसका मतलब ये इस ग्रुप में 10 से ज़्यादा पोस्ट की गई है आज के दिन में। लेकिन अगर ऊपर ही देखें तो यहाँ पर ये देखें आप लोग देख सकते हो 25 अनरीड पोस्टें तकरीबन मेम्बर 2023, मतलब कि ऐसी पोस्टें जो कि देखी नहीं गई इस ग्रुप में, देखा ही नहीं गया, ठीक है। तो पहली चीज़ ये ग्रुप देखने का। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या करो, इस ग्रुप के ऊपर नाम पे क्लिक करो और उसके बाद राइट समथिंग पे क्लिक करो। अब ये कि अगर ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट,
तो इस तरह के आप लोग कहते हो कि जी ग्रुप मिलते ही नहीं है, ठीक है, सारे सबमिट पब्लिक पोस्ट अभी आपके सामने ही है, पहले ही मिल गया मुझे। ढूंढने से तो कहते हैं खुदा भी मिल जाता है, आप लोग ढूंढने वाले तो बनो, आप लोग फौरी हार मान जाते हो, जी सर तो फेसबुक पे तो ग्रुप रहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, सारे जो है ना वो सबमिट पब्लिक पोस्ट आ गया है जी, अप्रूवल आ गया है एडमिन की तरफ से, कुछ भी नहीं। अभी देखो, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग सिंपली इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके बाद पोस्ट करने के बाद आप लोग अभी देखो ना, ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन सभी के ऊपर आता है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद आपकी पोस्ट भी लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं लग रही तो आप लोग अपनी पोस्ट को चेंज करके देखो, नहीं लग रही तो आप लोग और ग्रुप्स ट्राई करो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन काम करने से तो मिलेंगे ना, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लियर करके बताऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये भी तो मुझे कमेंट आए हैं, अभी कमेंट कितने दिन हो गया मैंने देखी ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको ना ओपन करके दिखाता हूँ, अब ये देखो, ठीक है, ये नीचे मैंने रिप्लाई वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि लीड्स आ रही है और ये 3 दिन पहले का, यानी कि मैंने वर्किंग जो है ना वो नहीं बिल्कुल भी जो है ना वो की, नहीं टाइम मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये लोगों ने अपना ही मामला दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि आप लोग जो है ना वो काम करोगे तो फिर ही वर्किंग है, या अभी आपके सामने ही है, ठीक है, यानी कि लीड आती है लेकिन हम लोग काम नहीं करते। तो आप लोग अपने क्या करोगे, नए ग्रुप्स ज्वाइन किया करो, उसके बाद नई पोस्ट यूज़ किया करो, अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन किया करो, फिर ही आपको जो है ना वो अच्छी लीड आएगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना वो टिकटॉक का क्लियर किया, स्नैपचैट का क्लियर किया, फेसबुक का क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम पे ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म की जो है ना वो आपको सारी लीड मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मेरा देख सकते हो अकाउंट का कि किस तरीके से मैंने जो है ना ये सारी बायो लिखी हुई है, ये सारी हाईलाइट्स मैंने लिखी हुई, यानी कि टीम की अर्निंग की लादा है, और उसके बाद अचीवमेंट की लादा है, ये जो दूसरे लोगों की अर्निंग होती है, यानी कि जो लीडर है शदा करीम बाकी लोगों के, ठीक है। उसके बाद ये विड्रा वगैरह, टीम के अचीवमेंट्स, ये ज्वाइनिंग की पेमेंट्स, ये सेशन के पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद ये मैंने कुछ रील्स वगैरह अपनी अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो रील्स वगैरह इसमें क्या आपका फ़ायदा है, अब यहाँ पर देखिए मैंने अपनी की अर्निंग की वीडियो वगैरह सारी अपलोड की हुई है, ठीक है। अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम को स्नैप ने फेसबुक के साथ अटैच कर लेते हो, तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो फेसबुक पे ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्टोरी लगाते हो या रील लगाते हो तो रील ऑटोमेटिक फेसबुक पे लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग उधर लगाते हो तो इधर लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने इसको अटैच कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना है, अच्छी सी आप लोगों ने बायो लिखनी, इसके ऊपर मैंने सेशन दिया, ये भी मैं आपको लिंक सोच रहा हूँ, मैं लिंक प्रोवाइड ही कर दूँ, आप लोग आराम से बैठ के देखो, लिखो जो चीज़ें हैं और उस पर अकाउंट्स बनाना शुरू कर दो, सभी सोशल मीडिया यूज़ करो। अब वो कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद है तो भाई 100 खुले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिकटॉक से अच्छी लीड जनरेट कर रहा हूँ। आपके दरमियान ही एक मैम समन शायद आई थिंक बैठी हो सेशन में, वो जिसका मैं कल परसों बता रहा था कि आज उसने मीटिंग ली है और कल उसने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक मेंबर है, यहाँ पर आपको मैं जो है ना वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये मुझे जो है ना वो आगे जिसने कॉल की है वही बंदा था, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, इसने मुझे वॉइस की है, अब कल इसने मेरे से नंबर ले लिया, कहता ब्रो मेरे पास अभी अकाउंट में अमाउंट नहीं है, मैं कल लोड करवा के, यानी कि कल मैं जो है ना वो पैसे सेंड कर दूँगा। मैंने इसे वॉइस किया, इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कहा चलो भाई पढ़ा रहने तो खुद ही जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर ही मैसेज आपका आया हुआ है, ठीक है, ये वही लड़की है जो टिकटॉक से जिसने रब्ता किया था और मेरे साथ जो है ना वो ज्वाइन किया है, ठीक है। सो इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, ठीक है। इस पर क्या कि आप लोग अपना अकाउंट अच्छे तरीके से लिखो, बायो लिखो, ठीक है, ये आप लोग हाईलाइट्स किस तरह अपलोड करनी है, ये रील कैसे लगानी है, किस तरह लिखनी है, स्टोरी कैसे लगानी, मैंने इस पर ऊपर हर चीज़ डिटेल से सारे सेशंस रखे हुए हैं, वो भी 35-35 मिनट के, आधा आधा घंटा के, ठीक है। अभी सेशन ख़त्म होता है, मैं फौरी तौर पे आप लोगों को सभी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि उस सब को देख रहे हैं, सभी के अकाउंट चेक करने हैं, मैंने आप लोगों से पूछना है जो बंदा इनके अकाउंट्स बनाए, आप लोगों ने क्या करना, अपनी प्रोफाइल का एक तो लिंक शेयर कर देना ताकि सारे लोग उसको फॉलो कर लेंगे, पहली चीज़। हफड़ा दफड़ी नहीं मचानी, मुझे फॉलो करो, मुझे खुद ही कर लेंगे, जो कर ले ठीक है, नहीं तो ऐसे जो है ना वो शोर नहीं मचाना, ठीक है। अपनी प्रोफाइल का लिंक एक शेयर करो, दूसरा आप लोगों ने क्या कहना कि अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है, यानी कि ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मुझे पता लगे कि किस किस बंदे ने फॉलो किया, किस किस बंदे ने अकाउंट बनाया। तो जैसे मैंने सेशन में बताया होगा, ठीक है, मैंने बड़े आराम से और आपको क्लियरली आपको बताया कि सेशन में मैं आराम से ही देता हूँ सारी चीज़ें, आप लोगों को जो है ना क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आई थिंक लिंक्डइन के ऊपर भी सेशन दिया, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करो, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, ये चार चीज़ें, और स्नैप वीडियो तो आपको बताइए वो भी टिकटॉक की तरह है, वो भी यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। वो भी आप लोग उसका कुछ भी थोड़ा सा मैं सीन दिखाता हूँ, एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर लूँ, जस्ट अ मिनट।